डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग को प्यारा सा चैनल धीरज लाल मैथमेटिक्स में तय तय दिल से हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थी जी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन लॉगरिथम। डिफरेंशिएशन में जो लॉग का उपयोग किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका लेक्चर नंबर 1 डाला हुआ होगा, एक्स के पावर 4, ये लेक्चर नंबर 2 होगा। क्लियर? तो आइए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो दिया उसको लिखना सॉल्यूशन। यहां से लिखना गिवन दिया गया है y बराबर x के पावर cos x, y बराबर x के पावर cos x। चाहता विद्यार्थी कि यदि आधार में x का टर्म पावर में एक्स या वाई का टर्म हो, इतना पर लिख देता हूं। जरा सा समझ लीजिए, ये थ्योरी है। यदि आधार में एक्स का टर्म हो या पद हो तथा पावर में एक्स या वाई का पद हो, एक्स या वाई का पद हो, तो वैसे प्रश्न है डीसी तोड़ते समय लॉग का उपयोग किया जाता है, क्या जाता है? ध्यान दीजिएगा, ये थ्योरी है। बोलता है यदि आधार में एक्स का टर्म पावर में एक्स या वाई का टर्म हो तो वैसे प्रश्न में डीसी तोड़ते समय लॉग का उपयोग किया जाता है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, तो यहां से जो दिया उसमें लिखना होगा टेकिंग लॉग बस साइड, टेकिंग लॉग बस साइड। तो यहां से विद्यार्थी जी लॉग वाई बराबर हो जाएगा लॉग एक्स के पावर cos x, एक्स के पावर cos x, एक्स के पावर cos x। ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या पता है? log n के पावर n का फॉर्मूला था n log n होता है, n log n होता है। तो यहां से हो जाएगा log y बराबर cos x इंटू log x, cos x इंटू log x। अब जो फंक्शन दिया इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां से बताइए ना विद्यार्थी जी, तो यहां से होगा जैसे हम जानता हूं फॉर्मूला कुछ कि लॉग एक्स का डीसी होता है, डीसी होता है ओ वन बटा एक्स, और एक्स का डीसी होगा कोई फर्क नहीं पड़ा, वन बटा एक्स हो गया। दूसरी बात हो गया कि अगर लॉग वाई रहेगा तो इसका डीसी क्या होगा, तो जवाब आ रहा सर ओ वन बटा वाई और वाई का डीसी डी वाई बटा एक्स। तो यहां से लॉग वाई का डीसी वन बटा वाई और वाई का डीसी डी वाई बटा डी एक्स। यहां से दो फंक्शन है, पहला तो cos x है और दूसरा log है। तो cos x को हम पढ़ेंगे u और log x को पढ़ेंगे v। तो u इंटू एक भी का फॉर्मूला होता है, u इंटू भी का फॉर्मूला होता है, u इंटू भी का।
पहला छोरो दूसरा पर डीसी प्लस दूसरा छोरो पहला पर डीसी मानो यू इनटू भी का जो रूल है कि पहला छोरो दूसरा का डीसी दूसरा लिखो पहला का डीसी तो यहाँ तो लॉ बाई का डीसी हो जाएगा वन ओवर का बाई और बाई का डीसी डी बाई का डीसी और यहाँ पर ध्यान दीजिए ना ये लॉ एक्स कॉस एक्स पर यू पर है और इस पर भी पर है तो बताइए ना यू इनटू भी का फॉर्मूला क्या था पहला छोड़ दो पहला में कॉस है तो कॉस टेन छोड़ तो पहला छोड़ दिए फिर बोला दूसरा का डीसी तो लॉग एक्स का डीसी होगा ना बता एक्स प्लस दूसरा लिख होता दूसरा कौन होगा लॉग एक्स और पहला का डीसी होता है माइनस साइन एक्स क्लियर अब यहां से विद्यार्थी जी जरा सा जो पद है इसको जरा सा हटा रहा हूं ये तो समझाने के लिए मैं इतना किया था तो यहां के बाद आगे चले रहा हम लोग का क्या ओवन बटा बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स बराबर यहां से हो जाएगा कॉस एक्स बटा एक्स ये माइनस हो जा रहा प्लस और माइनस माइनस क्या हो रहा लॉग एक्स इंटू साइन एक्स क्लियर ये जरा सा बड़ा लिखे है ना इसको जरा सा छोटा कर लेता हूं तो यहां से हो जा रहा विद्यार्थी जी तो हो जाएगा ओ वन बटा बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स तो कॉस एक्स बटा एक्स हो जाएगा और ये प्लस और माइनस माइनस log x इंटू साइन एक्स हो जाएगा तो यहां से जवाब आ रहा है सर कि यहां से जवाब आ रहा है सर ओ वन बटा बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर अब एलसीएम भी ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं तो cos x बटा x माइनस log x इंटू साइन एक्स तो यहां से फाइनल आंसर आने वाला है डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये बाई भागा में है विद्यार्थी एने जाके होना तो बाई इंटू कॉस एक्स बटा एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स क्लियर तो फाइनल आंसर आ जा रहा है डी वाई बटा डी एक्स बराबर फाइनल आंसर आ जाएगा कि बाई बराबर कौन फंक्शन था तो बाई बराबर फंक्शन था बाई बराबर फंक्शन था विद्यार्थी जी बाई बराबर फंक्शन था एक्स के पावर बाई बराबर फंक्शन था एक्स के पावर कॉस एक्स इन टू cos x बटा x माइनस log x इन टू साइन x और क्या इंटू में साइन x और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को समझ में आया हो रहा विद्यार्थी जी नोट कर लीजिए रहा मैं एक एक हिस्सा बारी बारी से पूरा चैप्टर बाय चैप्टर थियोरी के सब कंप्लीट कर देता हूँ आप लोग इस पर रिवीजन कीजिए रहा बनाइए रहा क्लियर तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये लेक्चर 2 हो गया आप लोग को।